हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद शालू। तो चलिए आज हम बनाते हैं मटका कुल्फी, बिल्कुल बाजार जैसी मटका कुल्फी हम बनाएंगे और वो भी घर में और घर की चीजों से। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए फुल फैट मिल्क, ये हमने दूध बॉयल किया था जिसमें थोड़ी मलाई भी आ गई थी, तो फुल फैट मिल्क लेना है आपको एक कप। 4 से 5 स्लाइसेस ब्रेड जिसके साइड्स निकाल दिए हैं, पाउडर शुगर अपने स्वाद अनुसार, थोड़ी सी इलायची पाउडर, थोड़े से बादाम और काजू, आप चाहे तो इसमें पिस्ता भी पीस सकते हैं, और 2 चम्मच यहाँ पर मैंने लिया मिल्क पाउडर। ये है दूध जिसमें केसर के धागों को भिगोकर रखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम एक मिक्सर लेते हैं, उसमें हम डालेंगे काजू बादाम, यहाँ पर मैंने 7 बादाम और करीब 7 से 8 काजू लिया है, इलायची पाउडर डालेंगे और पिसी हुई शक्कर डालेंगे। इन सभी चीज़ों को हम एक साथ मिक्सर में चला लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट साबुत चीनी डाल दीजिए, वो सब एक साथ पिस जाएगा। ये देखिए इस तरीके से फाइन पाउडर बना लेंगे, बहुत ही आसानी से ये पिस जाता है। और अब हम इसमें डालेंगे ब्रेड के टुकड़े, यहाँ पर मैंने 5 ब्रेड यूज की थी, उसके साइड्स निकाल दिए ब्राउन वाली और सिर्फ व्हाइट पोर्शन यूज किया है, और इसको भी मिक्सर में चला के ऐसे पाउडर बना लेंगे। ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे पूरा 1 कप मिल्क, आप यहाँ पर 250 ml मिल्क यूज कर सकते हैं, और इसमें मैंने डाला वो केसर वाला दूध ताकि केसर का फ्लेवर और कलर हमें इसमें चाहिए। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मिल्क पाउडर का यूज किया है, अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप मलाई डाल सकते हैं, फ्रेश मलाई जो दूध उबालने पे निकलती है। ये देखिए इसको पीसने के बाद कितना ये क्रीमी टेक्सचर से ये हमारा मिक्सर तैयार हुआ है, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से केसर की। तो चलिए बस अब इसको हमें जमाना है। इसके लिए यहाँ पर मैंने सिरेमिक कूलर लिए हैं और एक मैंने यहाँ पर मिट्टी का पॉट भी लिया हुआ है, तो इन सभी में हम इस कुल्फी को जमाएंगे। देखिए कितनी आसान थी, कितनी जल्दी, बस आपने मिक्सर चलाया और आपका मिक्सर रेडी है और इसको जमाते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ना कोई गैस आप तैयार हुई है और कितनी क्रीमी है। तो आप इसको इस बार जरूर बनाइए, खुद खाइए, सबको खिलाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।